तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो आज हम कंप्लीट करने वाले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन ए प्लेन, और इसमें हम निकालेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को। तो पहला बात, यहाँ पे यूनिफॉर्म बोला है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब हो जाता है वेलोसिटी इज़ नॉट चेंजिंग। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, खास करके वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इज़ नॉट चेंजिंग, यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है। डायरेक्शन चेंज हो सकता है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो मतलब 30 मीटर पर सेकेंड से अगर घूम रहा है तो 30 मीटर पर सेकेंड से ही घूमेगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन उसका जो वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड, वो चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इज़ नॉट चेंजिंग। अब देखो, जब सर्कुलर मोशन होता है तो क्या होता है? देखो, सर्कुलर मोशन मतलब अगर आपका एक पार्टिकल यहाँ पे है तो कोई एक जगह को सेंटर करके वो गोल गोल घूम रहा होता है, डन। कोई एक जगह को सेंटर करके वो गोल गोल घूम रहा होता है, तो उसको बनाते हैं फटाफट। तो अगर मैं बोलूँ ये मेरा एक सर्कल है, डन है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है एक पार्टिकल, किसको? इस पॉइंट को सेंटर करके गोल गोल घूम रहा है, डन है। तो लेट कि एक इनिशियल टाइम में पार्टिकल यहाँ पे था, इनिशियल टाइम में पार्टिकल कुछ ऐसा था, इस टिप को पार्टिकल का ये मानो। 1 सेकेंड बाद पार्टिकल घूम के कुछ यहाँ पे चले गया। 1 सेकेंड बाद टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड लगा, ठीक है, 1 सेकेंड लगा। हमेशा टाइम 1 सेकेंड लगेगा? नहीं, मान लो कुछ 30 सेकेंड लगा होगा। 30 सेकेंड बाद पार्टिकल, यही पार्टिकल घूम के कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। अब जब यहाँ पहुँचा, उसको टाइम कितना? 30 सेकेंड लगा। कभी 1 सेकेंड, कभी 2, कभी 3, तो मान लेते यहाँ पे 30 सेकेंड लग गया, झंझट ही खत्म। यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस चला? लीनियर में एक्स डिस्टेंस चल लिया, सर्कमफ्रेंस में एक्स चला। आप साथ ही साथ में देखो, पहले कितना था एंगल? पहले यहाँ पे एंगल 0 था, अभी कितना हो चुका है? कुछ एंगल में चेंज आ चुका है ना। तो ये जो एंगल में चेंज आता है, उसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डन। तो हियर व्हेन अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग, अच्छा पहला बात, सर्कुलर मोशन क्या 2 डायमेंशनल मोशन है? हाँ है। अगर तुम देखो हर पॉइंट में इसके कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, दिख रहा है ना। अगर मैं इसको एक ऐसा, अगर मैं इसको बनाता ग्राफ टाइप का, तो अगर तुम देखो इस पॉइंट में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट अलग थे, कभी आगे आ जाएंगे तो कोऑर्डिनेट फिर से चेंज होगा। तो एक एक 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। सर्कुलर मोशन भी एक 2 डायमेंशनल मोशन है। हियर ए पार्टिकल, अभी लिखते हैं, ठीक है। हियर ए पार्टिकल परफॉर्म्स अ सर्कुलर मोशन, कौन सा मोशन शो कर रहा है? सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। लेट रेडियस कितना है इस चीज़ का? मान लेते हैं रेडियस आर है, यहाँ तक बातें क्लियर है। उसके बाद एट टाइम टी, कुछ टी टाइम के बाद इट डिस्प्लेस एक्स इन लीनियर लाइन में। लाइन में क्या हो रहा है आपका? एक्स डिस्प्लेस हो रहा है, एंड थीटा जो कि रेडियन में होता है इन एंगल, बराबर। सो यही से हम लिखते हैं, थीटा क्या होता है हमारा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है, डन। तो यहाँ पे अगर मैं अभी लिखना चाहूँ तो एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा? अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, यही 30 सेकेंड्स में लीनियर में उसने एक्स चला था, एंगुलर में कितना? थीटा चल लिया। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, बहुत ही छोटा टाइम में एंगुलर वेलोसिटी क्या रहा होगा? दैट इज, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखेंगे, क्या लिख देंगे? डी थीटा। बहुत ही छोटा टाइम में एंगल क्या डिस्प्लेस हुआ? अपॉन बहुत ही छोटा टाइम। अभी 30 सेकेंड, 1 सेकेंड था, आप हाफ सेकेंड ले लो, हाफ से भी छोटा कोई सेकेंड ले लो, बहुत ही छोटा पर्टिकुलर टाइम पे कितना, तो ऐसा लिख देंगे। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब देखो इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो मैं उस न्यूमेरिकल के लिए बताता हूँ, ठीक है। थीटा को इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन कंप्लीट साइकिल, मान लो कि देखो अगर पूरा ये घूम के आएगा यहीं पे आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, इससे थोड़ा पहले मान लो, ठीक है, थोड़ा सा पहले, थोड़ा मतलब जितना आप सोच नहीं सकते उतना कम, 0.001। देखो पूरा जब ये घूम के आएगा 360 डिग्री चलेगा, तो मान लो 360 की जगह वो 359.99 है, लगभग 360 के बराबर है ना। तो इन ए कंप्लीट साइकिल, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन कंप्लीट साइकिल, देन टाइम टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसका जो पूरा टाइम होता है इसको बोलते हैं क्या? टाइम पीरियड।
ठीक है ना। इस टाइम को क्या बोल देंगे हम, टाइम पीरियड बोल देंगे कैपिटल टी। तो इस केस में आपका एंगुलर वेलोसिटी कितना आएगा, दैट इज़ पूरा अगर वो डिस्प्लेसमेंट करता है दैट इज़ 360 डिग्री करेगा, 360 डिग्री, लगभग 360 डिग्री, मतलब क्या है 359.99 इस तरह अपॉन टी। लेकिन हम फिजिक्स में डिग्री में नहीं लिखते, हम किस में, रेडियन में लिखते हैं। तो एक 360 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई होते हैं, 2 पाई अपॉन टी। और 1/T आपने पढ़ा है क्या होता है, 1/T होता है आपका फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ऐसा भी लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है डन, और इसका यूनिट क्या रहता है, 2 पाई मतलब क्या है, रेडियन, और बाई टी मतलब सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट। तो ये भी एक टर्म आपको याद रखना चाहिए। और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस तो मैंने लिख लिया, ओमेगा इज इक्वल टू d θ/dt। डन, यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो इसको अगर मैं और थोड़ा लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, हियर थीटा इज इक्वल टू, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग चैप्टर पढ़ा है तो थीटा इस तरह आपने बनाया था ना, थीटा इज इक्वल टू आपने क्या लिखा था, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा था, आर्क लेंथ दैट इज एक्स अपॉन रेडियस। तो ये हमारे पास थीटा आ गया, देयर फोर ओमेगा यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, d/dt, थीटा के जगह में क्या लिख देना है मुझे इस बार, एक्स अपॉन आर। डन, तो एक ही डी है तो डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, नीचे बच गया आर, और यहाँ पे क्या बच गया था नीचे का, डी टी। तो ये dx/dt क्या होता है आपका, वेलोसिटी होता है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू v/r भी होता है। ये बातें क्लियर है। अब निकालते हैं हम एक्सेलरेशन, वो भी कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा लिखेंगे। ये क्या होता है आपका, चेंज इन, कितना चेंज हो रहा है किसमें, एंगुलर वेलोसिटी में अपॉन डी टी। यहाँ तक बातें क्लियर। अभी अगर तुम देखो तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, वी है, डन दिख रहा है ना, वी बाई आर है। तो इसको भी ऐसे अगर लिख लेंगे हम लोग पिछला बार जैसे लिखा था, तो d/dt ओमेगा की जगह क्या लिख देना इस पर, v/r लिख दो। तो ये सॉल्व करोगे तो कैसा आ जाएगा, dv/r नीचे रह गया और नीचे का dt। तो dv/dt आपका क्या होता है, ये होता है आपका एक्सेलरेशन, वो भी कौन सा, लीनियर एक्सेलरेशन। तो एक और फॉर्मूला बनता है, जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो होता है लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन आर। तो डन, ये था कुछ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ एक्सेलरेशन, फिर आपका क्या बोलता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर आपका क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, फिर क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। और हमने देखा अगर एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी वगैरह ये सारे हमने ड्राइव कर लिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम ड्राइव करने वाले सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को, तो उसको बहुत ही ध्यान से देखना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।